महान बख्शिश दे नाल इस सुहावना समय सानू प्राप्त होया सत्संग विच। सुहावना ये अस्थान इन्ना सुहावना है, आस पास का जो दृश्य है वो मन बहुत मोहित करता है, सत्संग मोहित करता है। सतगुरां की हजूरी दर्शन प्राप्त होंगे ने और उस परम पिता परमात्मा के गुणों उदी महिमा गायन करन दा सुनन दा ये अवसर सानू प्राप्त होया, ये बहुत वड्डे भागां दी निशानी है, सासी विच निशानी है। जिन्हों उस सतगुरु नाल प्रेम हो जांदा है ना, फिर उन्हों पुछ के वेखो ये सतसंग दी महिमा की है। वो तरसदा, वो लभदा फिरदा कोई गुरसिख मिल जावे जिहड़ा सतगुरां दीआं बातां सानू सुनावे, वो तरसदा सत्संग विच। सो इहदी महिमा नू अपने हिरदयां दे विच महसूस करदे होए प्रेम सत्कार दे नाल सिमरन करिए और सतगुरां की बख्शिश बुद्धि के अनुसार जो उन्हां दी कृपा दे नाल प्राप्त होया वो विचारां आप दे नाल सांझियां करांगा सासी विच। महर्षि व्यास उस परमात्मा के प्रेम की बड़ी महिमा गायन करते हैं सासी विच। कहिंदे ने सकल भुवन मध्य निर्धना स्तेपि धन्या निवसति रिधि येषां श्री हरेर भक्ति रेका हरिरपि निज लोकम सर्वतातो विहाय प्रविशति रिधि तेषां भक्ति सूत्रोपनत्था। महर्षि व्यास कहते ने सकल भुवन मध्य निर्धना स्ते भी धन्या, संसार दे विच उस्तत सोभा मान सम्मान उसी व्यक्ति का होंदा जिहदे कोल कोई गुण होवे, जिहदे कोल कोई धन पदार्थ होवे, जिहदे कोल कोई चंगी समाजिक राजनीतिक पोजिशन होवे, जिहदे कोल कोई सुंदरता होवे। ये गुण व्यक्ति नू समाज दे विच सत्कार योग बनांदे ने। पर महर्षि व्यास कहिंदे ने आ भाई दुनिया दे लोको, मेरी दृष्टि दे विच चाहे किसे कोल कोई गुण नहीं, चाहे कोई धन पदार्थ नहीं, सुंदरता नहीं, कोई होर अहुदा मान सम्मान नहीं, पर जिदे हिरदे दे विच उस परमात्मा लई प्यार है, जिदे हिरदे दे विच सतगुरां दे प्रति श्रद्धा ते विश्वास है, मैं उन्हां नूं धनता दे योग मनदा, उन्हां नूं सत्कार दा पात्र मनदा सत्संग विच। क्यों? कहिंदे ने सारी सृष्टि नूं बनाउण वाला जो परमात्मा है, कण कण दे विराजमान जो सत्ता है, ओ जीव दे हिरदे दे विच जो परमात्मा लई प्यार है, उस प्यार दे सूत्र दे नाल बज के ओ परमात्मा उहदे हिरदे दे विच निवास करन लग जांदा सासी विच। जिस परमात्मा ने ये सारे मैकी पदार्थ बनाए ने, जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई है, सब दा जो मालिक है, वो मालिक जिहदे हिरदे दे विच आ जांदा है,
फिर उन श्रेष्ठ ते तंत्र दा योग क्यों ना आख्या जावे। इस करके महर्षि व्यास कहिंदे ने जिदे हिरदे च सिमरन लई सेवा लई सतगुरु लई उस परम पिता परमात्मा लई श्रद्धा है विश्वास है सचमुच ओ लोग बहुत विरले ने ते बहुत तंता दे योग ने पूजन योग ने सासमुच। इन्हां शब्दां दे नाल आप नूं तंता योग आख्या जांदा है महान आख्या जांदा है जो समय कढ के इस सतगुरां दे जस नूं सरवण करन दे वास्ते सिमरन करन दे वास्ते आपां इत्थे एकत्र होए हां सासमुच। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहिंदे ने जिसकै हिरदै वसिया पार ब्रह्म निकट न आवै पीर भुख तिख तिस न व्यापई जम नहीं आवै नीर। दे वाक अनुसार कल दास ने जो बेनतियां कीतियां सन इन्हां दिनां दे विच इही कहन दा प्रयास करदा पिया किसे ना किसे ढंग दे नाल मनुख दा विश्वास भरोसा श्रद्धा उस परमात्मा ते बन जावे सत्संग विच उहदी शरण दे विच व्यक्ति चला जावे। कल जिस शब्द दी टेक लई सी उदा भाव ये सी इस माया की दुष्तरता पार करना मनुख दे वस की गल नहीं की सत्संग। धर्मराज तरह तरह के कर्मां का फल देंदा पिया मनुख उस कर्म फल की मार तो अपने आप बच नहीं सकता। ये संसार की ऊंच नीचता का व्यक्ति मुकाबला नहीं कर सकता। अपने परिवार नूं अपने संबंधियों नूं जिन्ना सवारण का यतन करता है उन्हां लई जिन्ने सुख दे साधना नूं इकट्ठिया करन दा यतन करता है पर वो गृहस्थी वो संबंधी परिवार सुख दी बजाए हौली हौली व्यक्ति वास्ते दुख दा कारण बनते जाते ने सत्संग। जदों व्यक्ति इस सारे दृश्य नूं सामने रखता है और अपनी असमर्थता दा अपनी निर्बलता दा अपने बल दा व्यक्ति नूं बोध हो जांदा है ज्ञान हो जांदा है समझ आ जांदी है फिर व्यक्ति किसी अलौकिक सत्ता की शरण च जांदा है। उसे अलौकिक सत्ता की शरण च जाना ही शरणागति है सत्संग। उन्ना चिर सच्ची शरणागति व्यक्ति दे अंदर नहीं आएगी जिन्ना चिर इस माया दे दुख नूं परिवार दे दुख नूं होर संसार दे ऊंच नीचता दे दुख नूं व्यक्ति अनुभव नहीं करदा। इहदी अनित्यता इहदी क्षण बंगुरता इहदी दुख रूपता नूं व्यक्ति विचार दे नेत्रां दे नाल वेख नहीं लैंदा। उन्ना चिर व्यक्ति दे अंदर परमात्मा लई श्रद्धा विश्वास भरोसा बनेगा नहीं सत्संग नहीं बनेगा। अगर मैं कह दवां खिमा रखना मेरे पूर्वज नामधारी सन इस करके मैं भी नामधारी हाँ। मेरे पूजनीक मेरे पूर्वज इस गुरु नानक दी जोत नूं मनदे आ रहे सन इस करके मैं भी मन रहा। पर सचमुच कि मेरा पूर्ण विश्वास ते भरोसा इस सतगुरु ते है कदे टटोल के अपने मन नूं वेखियो
कि अपने पूर्ण विश्वास ते भरोसे दे नाल असीं लगे हाँ जां नामधारी परिवार च जन्म हो गया है इस करके लगे हाँ सत्संग च। खिमा करना शब्द कुछ कौड़े ने पर जो विचार करोगे इहदे च कुछ मिलेगा सत्संग च। अज दूसरी दृष्टि दे नाल उस परमात्मा की सतगुरु की शरण दे विच किस तरह जाना है, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति नूं ये समझ आ जाएगी संसार के स्वरूप की परमात्मा के बल की, फिर दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिहड़ा सतगुरां की शरण दे विच ना आवे। सत्संग बड़े बड़े राजे महाराजे धनवान लोग बड़े उच्चे उच्चे अहुदियां ते बैठे हुए लोग जिन्हां कोल संसार के सारे सुख के साधन सन पर जिन्हां नूं इस गल की जिस दिन समझ आ गई सच्चा सुख ते शांति इन्हां चीज़ां दे विच नहीं, उन्हां सारियां ने उस दिन उहदा त्याग करके सतगुरु की शरण ग्रहण कर ली। सत्संग मनुख जिन्ना चिर संसार के विच लगा अज्ञान के कारण लगा, ना समझी के कारण लगा, अगर परमात्मा नूं याद नहीं करता किते ना किते इहदी मोह ममता कामनावां वासनावां इहनूं सतगुरु और परमात्मा तो दूर कर दियां ने पईआं। जिस दिन व्यक्ति नूं इन्हां गल्लां दी समझ आ जाएगी फिर कुछ भी छड़ना पवे, कुछ भी व्यक्ति सब दा परित्याग करके उस परमात्मा दी सतगुरु दी शरण दे विच आ जांदा है। सत्संग विच आ जांदा पंचम पातशाह कहिंदे ने जिसकै हिरदै वसिया पार ब्रह्म निकट ना आवै पीर, भुख तिख तिसना व्यापई जम नहीं आवै नीर। पंजवें पातशाह बड़े विश्वास के नाले गल कह रहे हैं जिदे हिरदे दे विच उस परमात्मा का निवास है पीड़ उहदे नेड़े नहीं आउंदी, दर्द उहदे नज़दीक नहीं आउंदा। सत्संग विच ये गल प्रैक्टिकल नहीं लगती, जदों असीं वेखदे हाँ तरह तरह के शरीर के दुख ने, मन के दुख ने, होर बड़े प्रकार के दुख ने कि जिहड़े सिमरन करन वाले ने उन्हां नूं दुख नहीं लगे। गुरु साहब आप पंचम पातशाह जिहड़े इस शब्द का उच्चारण कर रहे ने जिन्हें शरीर के उत्ते तसीए उन्होंने झले साढ़े दुख के उठे बड़े छोटे जे ने सत्संग, पर पंचम पातशाह कहिंदे ने बाहरी रूप दे विच वेखण नूं किन्ना भी दर्द ते मुसीबत होवे पर हिरदे दे विच जदों पार ब्रह्म निवास कर लैंदा है व्यक्ति दी आत्मा नूं व्यक्ति दे मन नूं उह दर्द स्पर्श नहीं करदा। सत्संग एक ऐसी चीज है, एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा चमत्कार है कि जो परमात्मा निवास कर जाता है संसार के दुख व्यक्ति की मन और आत्मा को स्पर्श नहीं करते। सत्संग भुख तिख तिसना व्यापई जम नहीं आवै नीर, ये भुख के दुख ये तृष्णा दे दुख और ये जम का जो दुख है ये व्यक्ति नू सताउंदा नहीं गा। सत्संग विच इस करके व्यक्ति नू ये यतन करना चाहिए किसी भी ढंग दे नाल उस पार ब्रह्म दा हिरदे दे विच निवास बने। सत्संग विच पर निवास बनदा क्यों नहीं गा,
पर हिरदे दे विच ओ निवास बनता क्यों नहीं गा। इसे चीज दे उते अज थोड़ा जिहा विचार आपां ने करना है। पंचम पातशाह एक जगह उचारण करदे ने, जाकै हिरदै वसिया तू करते, तू ताकै आस पुजाई, हो कृपाल कबहू ना बिसरै, चरण धूर मन भाई, तेरी कथा अकथ कथन न जाई। पंचम पातशाह कहते ने जिदे हिरदे दे विच ए करता ए परमात्मा तू निवास कर लिया, तू ओदी सारी आस पुजा दिती है, ओदियां सारियां इच्छावां नू कामनावां नू पूर्ण कर दिता है। सासंग विच व्यक्ति परमात्मा दे प्रति समर्पित इस करके नहीं हुंदा कि व्यक्ति दे अंदर ये विश्वास नहीं बनता कि मेरिया जो लोड़ा ने सचमुच वो परमात्मा सतगुरु दे द्वारा पूर्ण हो सकदियां ने कि नहीं हो सकदियां। सासंग विच पर पंचम पातशाह कहते ने जाकै हिरदै वसिया तू करते, तू तां की आस पुजाई, उदे हिरदे दे विच निवास करके उदियां सारियां आसां नूं तू पूरियां कर दित्तियां। सासंग विच जदों इतिहास वल वेखीए इस पूर्ण भरोसे दे नाल ही उस परमात्मा की शरण के विच जाया जाता है। जिन्ना जिन्ना ये भरोसा व्यक्ति का बनता जाएगा वो आस वो उम्मीद व्यक्ति की सतगुरु के उत्ते बनती जाएगी। सासंग विच खाली लौकिक पदार्थों की ही गल नहीं, परलोक दे विच भी वो सहायता करता है, इथों तक जन्म मरण के चक्कर चो छुड़ा के मुक्ति भी दे दिंदा है। सासंग विच पर आस उस परमात्मा ते होवे, भरोसा ते पूर्ण प्रतीत उस परमात्मा ते होवे। सासंग विच पर साडी जो भरोसा ते प्रतीत है वो धन पदार्थ ते है, संबंधियां ते है, जा होर संसार की किसी भी वस्तु के उत्ते प्रतीत है, परमात्मा के उत्ते प्रतीत नहीं है। सासंग विच ये प्रतीत बनती क्यों नहीं, क्योंकि परमात्मा की महिमा परमात्मा की शक्ति व्यक्ति महसूस नहीं कर पाता। सासंग विच जिस तरह धन की शक्ति का सानू पता है, शरीर दे बल दा सानू पता है, पर परमात्मा दा जो बल है उस बल दे उते साड़ी नज़र नहीं जाती। सासंग विच जिन्ना जिन्ना व्यक्ति परमात्मा दे बल नू महसूस करेगा उन्ना उन्ना व्यक्ति दा परमात्मा दे उते भरोसा बनता जाएगा। सासंग विच अज इस बड़े लोग सिमरन दे विच लगते ने, धर्म कर्म दे विच लगते ने, पर पूर्ण विश्वास ते प्रतीत की कमी होने दे कारण वो धर्म कर्म सफल नहीं होंदा। सासंग सफल नहीं होंदा जदों विचार दे नाल परमात्मा दे बल दा वर्णन करिए, तेरी कथा अकथ कहन न जाई। पंचम पातशाह कहते हैं तेरे बल की जो कथा है वो शब्दों के द्वारा बयान नहीं की जा सकती। जरा विचार के नाल जो आप देखते हाँ ये एडा वड्डा जो संसार चल रहा है, आखिर ये पिछे कोई शक्ति कोई सत्ता कम कर रही है। एहसास में एक पानी का बुलबुला किस तरह इस शरीर का आकार ले लेंदा, एक अथाह समुद्र जो जल का भरिया होया
उदे विचों किस तरह उस परमात्मा की शक्ति दे नाल जल वाष्प होके वर्षा के रूप के आंदा है। असी जो पदार्थ छक लैने उन्हों जो डाइजेस्ट करन दा साडे अंदर सिस्टम है जरा इन सारे बिंदुओं के वल जदों विचार दे नाल आपां नज़र मारते हाँ उस परमात्मा के बल की उस परमात्मा की शक्ति ते महिमा का स्वरूप साढ़े सामने आंदा सासंग। पर व्यक्ति की जो आस है वह परमात्मा के पूर्ण रूप के बनती नहीं ही सासंग। महाभारत के युद्ध के जदों पांडव द्रुत क्रिया जूवे दे विच दुर्योधन को हार गए, दुर्योधन ने द्रौपदी नू मंग लिया सासंग पांडवां दी पत्नी ने। जदों उन्हूं राज महल दे विच लै के आंदा गया उन्हूं बेपर्द करन दा यतन कीता, द्रौपदी चिलाई रोई, उस दे विच द्रोणाचार्य बैठे ने, भीषम पितामह बैठे ने, पर द्रौपदी की किसी ने सहायता नहीं की। सासंग दुशासन साड़ी खिंचता जा रहा है। जदों द्रौपदी बेपर्द होन लगी भगवान श्री कृष्ण ने फिर याद किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा दे नाल दुशासन वो कपड़ा खिंचता थक गया पर कपड़ा खत्म नहीं होया। सासंग जदों बाद दे विच द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण नू मिली और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण नू कहा, ऐ भगवान तुसी मेरी रक्षा पहला क्यों नहीं कीती। भगवान श्री कृष्ण कहिंदे ने, तेनों अपने पति पंजा पांडवों के उत्ते बड़ा अभिमान सी, ये बड़े बलशाली ने, हर सुख दुख दे विच मेरी सहायता करनगे, तू पहला उन्हां दी आस रखी, जदों उन्हां ने तेरी सहायता नहीं कीती तू गुरु द्रोणाचार्य दे कोल गई, भीष्म पितामह दे कोल गई, अपना पूरा यतन कीता, पर अखीर दे विच जदों तू मैनू याद किया मैं उस वेले तेरी सहायता दे वास्ते आ गया। सासंग व्यक्ति जदों पूर्ण भरोसे दे नाल उस परमात्मा की आस नू तकदा परमात्मा उसकी सहायता करदा। सासंग इथों तक साड़ी जो विश्वास ते प्रतीत की कमी दे नाल ही उस परमात्मा का साढ़े हिरदे दे विच निवास नहीं हुंदा। सासंग एक भाई त्रिलोके की कथा आती है सतगुरु प्रताप सिंह सचे पातशाह जी के उपदेश दे विच बहुत बार आपने सुनी होगी। एक साधु कोई ऐसी सिद्धि उन्हें प्राप्त होगी उन्हें शहर दे विच होका दे दिता जिहड़ा मेरा दर्शन करन दे वास्ते आएगा मैं उन्हें एक साल का स्वर्ग दवांगा। सासंग विच ये सारी खबर शहर च फैल गई, सारे लोग उस साधु का दर्शन करन दे वास्ते आन लगे पर भाई त्रिलोका जी नहीं आए। जदों उस साधु नूं ये गल पता लगी सारा शहर मेरे दर्शन करन दे वास्ते आया पर भाई त्रिलोका जी नहीं आए, उन्हें एक संदेश भेजिया भाई त्रिलोका जी दे कोल, उन्हूं आखो मैं तैनू एक दी बजाए 10 साल 100 साल का स्वर्ग दे देंगा तू मेरे दर्शन करन दे वास्ते आ। पर भाई त्रिलोका जी गए नहीं। अखीर दे विच ओ साधु आप जदों भाई त्रिलोका जी दे घर गया और दरवाजा खुलिया भाई त्रिलोका जी ने वेख्या वो साधु आया
उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया सासी में। वो सब बड़ा हैरान होके पूछता है आखिर गल की। वो कहता जिस सतगुरु की शरण के विच असी लगे हाँ, जिस सतगुरु की आस असी तकी है, वो तो सानू जन्म मरण के चक्करा चो मुक्त करेगा। 10-20 साल स्वर्ग की तो गल ही बहुत दूर है सासन में। चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए पर अपने सतगुरु के प्रति जो एक निष्ठा है, अपने सतगुरु के प्रति एक श्रद्धा ते प्रेम है, उस विश्वास के नाल वो परमात्मा साढ़े हिरदे दे विच निवास करता है। पातशाह कहिंदे ने जा कै हिरदै वसिया पार ब्रह्म, तू ता कै आस पुजाई, तू उहदी आस नूं पूर्ण कर दिता है। एक घट घट वासी कई भागां दे विच श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दे पौतकां दी पुस्तक छपी है सासन विच। उहदे जिहड़े संकलन करता ने जसपाल सिंह जी, वो शिमला के रहने वाले ने सासन विच। उन्होंने एक घटना का जिक्र उहदे विच कीता है कि शिमला वो जा रहे सन बस दे विच, वो ते उन्हां दी पत्नी। अचानक बस बड़ी गहरी खड्ड दे विच डिग गई सासन विच, और उन्हां दे हिरदे दे विच एकदम श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह की याद आई, और उन्होंने आखिया धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह साड़ी रक्षा करना। वो आप दसते ने कि वो बस दे विच बहुत सारे लोग मर गए, जेड़े बचे वो बुरी तरह जख्मी हो गए, पर उन्होंने खरोच भी नहीं लगी सासी विच, खरोच भी नहीं लगी। भाव जेड़ा उस सतगुरु की आस नूं तकदा है पूर्ण भरोसे दे नाल, उन्हों अपने हिरदे दे विच वसाउंदा है, उहदे लोक परलोक दे सारे सुखां दा जो ध्यान है वह परमात्मा आप रखदा है सासी विच। जदों साडी प्रतीत नहीं बणदी, इहदा भाव यह है कि परमात्मा की शक्ति दे उत्ते, परमात्मा के ज्ञान दे उत्ते साडा विश्वास नहीं गा। वो परमात्मा हमेशा सानू वेखदा है, असी उहदी नज़र दे विच आ, सानू की चाहीदा की नहीं चाहीदा उस परमात्मा नू पता है, पर व्यक्ति की आस नहीं बजदी सासी विच। अज के समय दे विच जो साइंस ने विकास किया, इस विकास के उत्ते व्यक्ति की बड़ी आस्था है। पुराने बजुर्ग लोग दसते ने जदों साइकल नवा नवा बनिया सी, जिस पिंड दे विच कोई साइकल खरीद के लैके आउंदा सी, दूर दूर ते पिंडां तो लोग उस साइकल नूं वेखण दे वास्ते आउंदे सन। पर अज मनुख ने इन्नी तरक्की कर ली है, उस साइकल दे उत्ते चलन दे विच भी सानू शर्म महसूस हुंदी है, क्योंकि कारां गड्डियां जहाज का कोई अंत नहीं। इस प्रकार दुनिया के हर फील्ड दे विच व्यक्ति ने बहुत तरक्की की है सासन विच, पर ये सारी जिन्नी भी तरक्की है व्यक्ति ने केवल उस कुदरती साधना का उपयोग किया अपनी बुद्धि के अनुसार, पर ये जिन्हें भी रिसोर्स ने वो सारे उस परमात्मा के बनाए ने सासन विच। जे मोबाइल के राही इन्हां तरंगा का इस्तेमाल करना व्यक्ति ने सीख्या, पर ये तरंगा उस परमात्मा दियां बनाईयां ने। इस सूरज की गर्मी नूं सोख के जिन्हें भी यंत्र अज विज्ञान ने बनाए ने उस परमात्मा दे बनाए ने सासी विच। व्यक्ति का जो विश्वास है,
इन्हों पदार्थों के उत्ते चला जाता है, पर इन पदार्थों बनाने वाला जो परमात्मा है उसके प्रति व्यक्ति की दृष्टि नहीं जाती। शासन स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते सन, व्यक्ति बगीचा देखने दे वास्ते जाता है, तरह तरह के फुल वेखदा, फल वेखदा, उन्हां फुलां की सिफत करन लग जाता है, पर माली का ध्यान व्यक्ति के मन के विच नहीं आता। शासन चाहे व्यक्ति का अज का विज्ञान किन्ना भी विकास कर लवे, सुख दे साधन किन्ने भी तैयार हो जाए, पर जदों भी किसी व्यक्ति को शांति मिलेगी, मन के विच तृप्ति का एहसास होएगा, वो परमात्मा के उत्ते पूर्ण विश्वास करके ही होएगा। शासन ये पदार्थ व्यक्ति को सुख ते दे सकते हैं, पर मन को तृप्त नहीं कर सकते। शासन मन को शांत नहीं कर सकते। एक ना एक दिन इन सारे पदार्थों छड़ के जाना पैंदा, उस दिन व्यक्ति की की स्थिति होएगी। शासन एक दीपक चोपड़ा बड़े अच्छे लिखारी बहुत फेमस ने, उन्होंने सफलता के सात सोपान पुस्तक लिखी है। उन्होंने मन दे विच विचार आया कि संसार के जिन्ने उच्चे लोग ने किसी भी फील्ड दे विच होन, आखिर वो तो तृप्त होणगे, वो तो शांत होणगे। वो लिखते ने जिहड़ा बॉक्सर माइक टायसन है, वो उन्हें मिलन दे वास्ते अमेरिका गए। जदों उन्हें मिले कहिंदे तुसी ते जिंदगी च संतुष्ट होवोगे, इस खेड जगत का जो वड्डा पुरस्कार सी पूरे विश्व दे विच तुसी एक नंबर हो, तुसी संतुष्टि का अनुभव करते हो। माइक टायसन लिखता है, जिस दिन वो दिन बने सन उस दिन जरूर लगता सी मेरे वर्गा कोई नहीं, पर अज वो दिन बदल गए ने, जिन्नी उदासी जिन्नी आतृप्ति नूं मैं महसूस कर रहा शायद कोई भी ना करता हो। शासन मेरे कहन तो बाद व्यक्ति इन्हां कुदरती खजानियां का उपयोग करके किन्नी भी तरक्की कर लवे। कोई दिन सी जिधर व्यक्ति साइकिल नाल संतुष्ट सी, कोई दिन सी जिदन व्यक्ति को पहनन ले कपड़े नहीं सन। मानव जाति का इतिहास खोल के वेख लिए, कदे मनुख कंदरावां दे विच रहिंदा सी, कदे मनुख नगन रहिंदा सी, जंगल के फल पत्ते खा के गुजारा करदा सी, पर व्यक्ति की चेतना निरंतर विकास कर दी गई और भविख दे विच भी विकास कर दी जाएगी। पर किन्ना भी विकास हो जाए पर शांति व्यक्ति नहीं मिल सकती। शासन महात्मा बुद्ध एक राजकुमार सन, सुख के साधन सारे उपलब्ध सन, पर सब कुछ त्याग के उस परमात्मा की शरण दे विच चले गए। भाव जिन्ना जिन्ना सिख साधक इस गल नूं समझदा जाएगा, चाहे ये पदार्थ किन्ने भी साडे सामने होन, पर इन्हां सारे पदार्थां च जो रमिया है, इन्हां सारे पदार्थां दे पिछे जो शक्ति काम करदी है, जिन्ना चिर ओदी शरण दे विच व्यक्ति नहीं जांदा उन्ना चिर तृप्त नहीं हो सकता। शासन इस करके पंचम पातशाह कहिंदे ने, भाई जी दे हिरदे दे विच उहदा निवास है, उहदियां सारियां कामनावां पूर्ण हो जांदियां ने। शासन विच और मैं दूसरी गल एक होर कहां, साडे मन दे विच बड़ा शिकायत दा भाव रहिंदा है। शासन विच जिहड़ा साधक नूं सिख नूं परमात्मा तो बहुत दूर लै जांदा है। शासन विच शिकायत का भाव मतलब मेरे नाल इस तरह हो गया,
मेरे नाल इस तरह नहीं सी होना चाहिदा, मैनू आ नहीं मिलिया। भाव मन हमेशा शिकायत नाल भरिया रहिंदा ते अशांत रहिंदा सास विच। जदों ये शिकायत का भाव व्यक्ति दे अंदर है, इहदा मतलब वह परमात्मा नूं अग्ञानी समझ रहा है। चाहे वह इस गल का बोध नहीं, पर शिकायत तो आती है। परमात्मा इस सृष्टि का संचालन करने वाला है, पैदा करने वाला है। सारे जीवन सो सो कर्म करै प्राणी जैसा तुद भाव है। पंचम पातशाह कहते हैं जो जो व्यक्ति करता है वह परमात्मा ने जो लिखिया है, जो उसकी रजा है, व्यक्ति उ ही करता है। सत्संग विच मन लो, अगर किसी व्यक्ति को धन नहीं, उसके को बहुत धन आ जाए और धन संभालने की योग्यता उसके को ना हो, धन उसका फायदा करेगा कि नुकसान करेगा? सत्संग विच कहने तो बाद साड़ी जो जरूरत है उस सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमात्मा ने पता है। इस करके सिख नूं कदे शिकायत का भाव नहीं रखना चाहिदा, मेरे नाल इस तरह हो गया, मेरे नाल इस तरह नहीं सी होना चाहिदा। एक संतुष्टि का भाव लैके जिस तरह परमात्मा ने रखिया, अपनी मेहनत करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिदा। जिस भी चीज़ की जरूरत है, परमात्मा समय के अनुसार उस चीज़ की जरूरत की पूर्ति जरूर करता है। सत्संग विच भाव सतगुरु की दृष्टि कैसी है? एक बार कुरुक्षेत्र दे विच कोई सम्मेलन होया, सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने भी उत्थे दर्शन दिते। उत्थे चर्चा का विषय यह सी गऊ की रक्षा किस तरह होवे। बड़े बड़े विद्वान उत्थे आए, सारिया ने आख्या गऊ की रक्षा इस तरह होनी चाहिए है, इस तरह होनी चाहिए है। पर जदों सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, सतगुरु जी कहते हैं गऊ की रक्षा तो होनी चाहिए है, ठीक गल है, पर जिहड़े जंगली जानवर ने, कुत्ते ने, बिल्ले ने, चूहे ने, इन्हां दी रखिया दे वास्ते भी सानू यतन करना चाहिए। वो दृष्टि वेखो, हिरदे की विशालता वेखो। जिस सतगुरु नू इन्हां जंगली जानवरां दी चिंता है, साडे मनुखां दी चिंता नहीं होएगी? जरूर होएगी, पर व्यक्ति की ये आस नहीं बनती, ये विश्वास से भरोसा नहीं बनता। सत्संग विच श्रीमद भगवत गीता दे विच भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयंतो मां ये जना परि उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। कहिंदे जिहड़ा अनन्य भाव दे नाल तर जी अरे एक टेक तू लाह बिडानी आस पाव, होर सारी आस नूं छड के उस परमात्मा दा सिमरन करदा है, कारज आवै रास। पातशाह कहिंदे ने उहदे सारे कारज रास आ जांदे ने। भगवान श्री कृष्ण कहिंदे ने अनन्य भाव दे नाल पूर्ण विश्वास ते श्रद्धा दे नाल जिहड़ा सिमरन करता है, भगवान ये संकल्प करते हैं योग ते शेम की रक्षा मैं करांगा। सत्संग विच योग का भाव जो वस्तुओं की उन्हें लोड़ है और उसके कोल है नहीं, मैं उन्हें वो भी दवांगा, और जो उसके कोल हैगा है उसकी रक्षा मैं करांगा। इन्हें योग ते शेम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिहड़ा पूर्ण प्रतीत ते भरोसे दे नाल उस पार ब्रह्म नूं अपने हिरदे दे विच निवास बना दिंदा, उहदी हर आस नूं सतगुरु पूरी करदा है। सत्संग विच जदों संत जगत सिंह जी महाराज नूं
श्री सदगुरु हरि सिंह जी ने बख्शिश करके नाम की दात दिती। ब्राह्मण परिवार के विचों सन, केस कटे हुए सन, पर सतगुरां ने आख्या गुरसिखी धारण करके इस नाम का जाप करना है। जदों परिवार को पता लगा, परिवार ने जबरदस्ती उन्होंने वाल कट दिते और संगी महाराज को कई दिन तक बुखार चढ़िया और फिर किस तरह उस पिंड दे विच्चों निकले, वो कथा बड़ी लंबी है। कदे कदे मेरे पिता जी दस्या करते ने, मैं संत जी को पूछया कि सारे समाज का सारे परिवार का विरोध करदे हुए तुहानू डर नहीं लगा? संजी महाराज कहिंदे ने, मैनू डर ते बहुत लगा, कई दिन तक मैनू बुखार भी चढ़ता रहा, पर फिर भी जाने अनजाने दे विच मेरे मन दे विच एक आस सी, मेरे मन दे विच एक विश्वास सी, जिस सतगुरु ने मैनू ये सिमरन दिता है वो मेरी रक्षा भी जरूर करेगा सास विच। और उस विश्वास दे नाल, उस भरोसे दे नाल संजी ने सारे घर बार का त्याग करके उस नाम की कमाई की, सतगुरां दियां अपार खुशियां नूं प्राप्त कीता सासी विच। सो इन्हां शब्दां दे नाल दास अज बख्शिश मंगदा है। कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं लगता पिया बोलन ते, सतगुरु ते पूर्ण विश्वास बनाया जावे, भरोसा बनाया जावे, वो सतगुरु हमेशा सिख की सहायता करता है। इन्हां शब्दां दे नाल दास खिमा दा जाचक है। सत श्री अकाल।